सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फानुक सिस्टम के अंदर टर्निंग सेंटर के अंदर एक साइकिल होती है G74 फॉर डीप होल ड्रिलिंग साइकिल। तो सेंटर में जब भी अपन ड्रिल करते हैं लंबे होल टर्निंग सेंटर के अंदर, तो उसके लिए एक साइकिल है G74, बहुत अच्छी साइकिल है और इसके बारे में आपको आज चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहूँगा डीप होल ड्रिलिंग साइकिल क्या होती है G74। तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, G74 से लंबे ड्रिल कर सकते हैं। उसके लिए एक 74 साइकिल है। और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ G74 के बारे में। G74 सिर्फ और सिर्फ फानुक के अंदर ही साइकिल है जो डीफॉल्ट ड्रिलिंग के लिए बनाई गई है। जैसे कि आप व्यू में देख रहे हो G74 साइकिल, X0Z0 मेरा यहाँ पे है, X0Z0 पे। तो जब भी अपन टर्निंग के अंदर ड्रिल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ X0 पे ही कर सकते हैं, इसके अलावा ड्रिलिंग कहीं और नहीं होती। तो X0 पर ही साइकिल चलेगी अपने, तो एक्स सेंटर पे ही X0 पे ही साइकिल चलती है। तो ये देख सकते हो आप, UCS पॉइंट अपना यहाँ है या सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं X0Z0। ये एक्सिस प्लस डायरेक्शन में है, एक्स प्लस, और ये जेड माइनस है। जेड प्लस इधर को आएगी और एक्स माइनस नीचे आएगी, जिस तरह से आप देख रहे हो। तो G74 साइकिल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वर्ड काम आएंगे इसके अंदर, कौन कैसे साइकिल बनती है। बहुत सिंपल साइकिल है, आप खुद भी बना सकते हो और ड्रिलिंग कर सकते हो। कई बार लंबे लंबे ड्रिल चलते हैं तो उसके लिए लड़के क्या करते हैं, G01 में ही आगे पीछे करते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाता है। उसके लिए साइकिल है G74। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ G74 का। तो ये देखो दोस्तों, G74R की वैल्यू आएगी, दूसरी लाइन में G74Z और Q की वैल्यू आएगी दोस्तों, और फीड रेट आएगी। तो दो तरह से दो लाइनें डलेंगे, G74R, G74Z और Q और F। G74 के बाद R है। R दोस्तों क्या है कि जब अपन पहले डेप्थ में देते हैं ड्रिल को, उसके बाद बाहर निकालते हैं। बाहर कितना निकालना है वो R में डालना पड़ता है। रिट्रैक्ट पॉइंट है, आप 2 mm, 1 mm, 4 mm, जितना भी आप बाहर निकल जाए तो चिप्स बाहर आ जाए जिससे ड्रिल ना टूटे, वो वैल्यू है। और G70 दूसरी लाइन में G74Z माइनस कितना mm डेप्थ में जाना है वो है। और क्यू कितना पैक देना अपन को वन टाइम में, तो वो वैल्यू है। और फीड रेट आएगी दोस्तों, बहुत सिंपल साइकिल है G74। फीड रेट जरूर आएगी mm पर रेवोल्यूशन में। तो ये जेड वैल्यू जितने जेड में जाएगा अंदर वो जेड वैल्यू है, और क्यू एक बार में कितना जाएगा वो वैल्यू है, और आर अंदर जाने के बाद बाहर कितना रिट्रैक्ट करना है ताकि वो चिप्सों को बाहर पटक दे ले जाके और फिर अंदर डेप्थ में जाए। तो दोस्तों ये 74 में आप देख सकते हो G74R, G74Z, Q और F, तीन दो तरह से लाइनें बनेंगी। G74 पैक ड्रिलिंग इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, डायरेक्शन में जेड एक्सिस में डायरेक्शन दे रखी है, ड्रिल कटिंग साइकिल दे रखी है। और G74R, G74Z, Q और F, तो यहाँ पे दोस्तों ये मैं बता देता हूँ आपको, R रिट्रीट वैल्यू है, वॉल्यूम है, जितने बार आप बाहर निकालोगे जितना वैल्यूम निकालोगे वो R के फॉर्म में आएगा। Z फाइनल डेप्थ है, कटिंग डेप्थ है, कितनी फाइनल डेप्थ जाएगी, और Q वन टाइम कटिंग डेप्थ है, तो एक बार कितना देना है वो है। तो क्यू 1000 का मतलब है 1 mm, तो 1 mm अगर अपन को देना है तो क्यू 100,000 लिखेंगे, फीड रेट और आएगी। तो दोस्तों इस तरह से साइकिल अपनी बन जाती है। तो मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल प्रोग्राम है N10G50। टूल नंबर ले लिया अपन ने, T0200 कैंसिल कर दिया, उसके बाद दो नंबर टूल ले लिया G97 में। मैं
स्पिंडल स्पीड दे दी 280 एम थ्री जी जीरो एक्स जीरो, क्योंकि एक्स जीरो पे ही अपनी ड्रिल होगा। जेड 5 mm दूरी से अपन चलाएंगे ताकि ड्रिल टूटने के चांस ना हो। एम एट कूलेंट ऑन कर दिया, ये स्टार्ट पॉइंट है दोस्तों। जेड 5 एक्स जीरो और जेड 5 ये स्टार्ट पॉइंट है ड्रिलिंग साइकिल का। अब मैंने यहाँ दे दिया G74R1, 1 1 mm बाहर आएगा। जब भी आपका टूल 5 mm अंदर जाएगा, क्योंकि 5 mm क्यों 5000 दे रखा है, तो 5 mm अंदर जाने के बाद वो 1 mm वापिस भी आएगा, फिर वापिस 5 5 mm जाएगा। तो इस तरह से G74R1 और G74Z-90 क्यों 5000 फीड रेट है 0.23। तो ये होने के बाद ऑटोमेटिक जो टूल है वो बाहर आ जाएगा 5 mm। फिर अपन G0X200Z150 दे देते हैं और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये G74 की साइकिल अपने काम आएगी और बहुत अच्छी साइकिल है, तो आप अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आर जो वैल्यू आएगी वो रिट्रैक्ट वैल्यू है। एक बार 5 mm जाएगा तो उसके बाद 1 mm बाहर आएगा। जेड फाइनल डेप्थ कटिंग डेप्थ है, क्यू वन टाइम कटिंग डेप्थ है और फीड रेट है, कटिंग फीड रेट है mm पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना टूल अंदर जाएगा वो चीज है। तो ये साइकिल बहुत अच्छी है, आप अच्छे से यूज कर सकते हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। लड़के क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं या कम देख के ही उसको छोड़ देते हैं, तो क्या समझ पाएगी वो, तो आप भी समझ सकते हो। पूरा देखे वीडियो, बहुत अच्छा आपको समझा रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी कोचिंग सेंटर या कहीं किसी का सहारा ना लेना पड़े, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।